एक बार यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु से एक व्यक्ति ने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अरस्तु ने जवाब दिया, आप मेरे गुरु से नहीं मिल सकते। तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आपके गुरु जीवित नहीं हैं? अरस्तु ने कहा, मेरे गुरु कभी नहीं मरते। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि अरस्तु क्या कहना चाहते हैं। उसने अरस्तु से कहा, मैं समझा नहीं। अरस्तु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में जितने अज्ञानी हैं वे सभी मेरे गुरु हैं, और संसार में अज्ञानी कभी नहीं मरते। अरस्तु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा, अरस्तु ये कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, वरना इतने महान इंसान का गुरु कोई अज्ञानी कैसे हो सकता है। उसने एक बार हिम्मत करके फिर पूछा, इंसान ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं। मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जो ये कह रहा है कि मेरे गुरु संसार के सभी अज्ञानी हैं। तब अरस्तु ने कहा, सच कहूँ तो मैं हर समय अपने आसपास के लोगों को देखकर सोचता रहता हूँ कि किसी इंसान को उसके कौन से अवगुण के कारण अज्ञानी व मूर्ख समझा जाता है, और फिर मैं आत्मनिरीक्षण करता हूँ कि कहीं वह अवगुण मुझमें भी तो नहीं है। यदि मुझमें भी वह अवगुण है तो मैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम ही बताओ, यदि दुनिया में अज्ञानी नहीं होते तो मैं अपने अज्ञान, अहम और घमंड को कैसे दूर करता? विद्वान तो अपनी विद्वता में इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वे हमें क्या सिखाएंगे। अरस्तु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो गया। वह बोला, मैं आपसे जितना सीखने की आशा लेकर आया था उससे कहीं ज़्यादा सीखकर जा रहा हूँ। तब अरस्तु ने कहा, सीखने की ना कोई उम्र होती है ना ही सीमा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप सारा ज्ञान गुरु से ही प्राप्त करें। यदि हम आत्मनिरीक्षण करें, चिंतन करें, तो कई सारे अवगुण दूर किए जा सकते हैं। दोस्तों, सही बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें, जहाँ से चाहें सीखना शुरू कर सकते हैं। बस सीखने का जज्बा होना चाहिए।